हाय एवरीवन, मैं अभी कुछ सामान लेने आया हूँ। एक्चुअली हम लोग कैलकटा जा रहे हैं, तो उसी के लिए सामान वगैरह ले रहा हूँ ट्रेन वगैरह के लिए। तो सो फार सो गुड। Our shopping is done and now I'm going back to home, and after that I'll pack my luggage and we'll go to station. So luggage is been packed and completely loaded in the car, and yeah, we are heading out to station, and after that in the Indian trains. So we are finally at station and train is, as usual, it's late, about 20 minutes, and yeah, let's see when it comes. Yeah, I'm inside the train. I know it's too loud over here, but it's fun in Indian trains. And yeah, for you Indian train members, Indian rail members, it's gonna be a great review from me, and for that, keep watching my video. तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिरर बहुत गंदा है इस ट्रेन का, इतना धूल वगैरह, और कैब का हालत भी कुछ सही नहीं लग रहा है। वॉश बेसिन, इसको वॉश बेसिन बोलते हैं क्या, आप बताइए। नहीं, ये कैसा है, इसमें साइड साइड में क्या जमा हुआ है, इतना बड़ा छेद हो रहा है, और कितनी गंदगी वगैरह है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो इंडियन ट्रेन के बारे में ये है कि यहाँ पे लोग भर जाते हैं, हर एक सीट पे चार चार लोग बैठते हैं, वो भी विदाउट रिजर्वेशन। तो बहुत ही ख़राब बात है ये इंडियन ट्रेन्स के लिए, और यू शुड वर्क ऑन दैट मेनली इंडियन ट्रेन। और चलिए टॉयलेट देखते हैं, लॉक सिस्टम टॉयलेट ऐसा ही है। ये देखिए, टॉयलेट में एक बॉटल पड़ी हुई है, टॉयलेट में एक बॉटल पड़ी हुई है, यहाँ उसका ढक्कन मिल गया हमको, बधाई हो। टॉयलेट में हमको बॉटल का ढक्कन मिल गया है, और यहाँ पे फैन भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन होता है, टॉयलेट में फैन नहीं है, ठीक है। और क्या क्या बातें, ये कांच, कांच तो इतना सुंदर है कि हम आपको क्या बताएं। कांच भी यहाँ का कुछ साफ वगैरह नहीं है, देख सकते हैं आप क्या क्या। और ये मेरी ना आपकी गलती नहीं, आई नो इंडियन रेल, बट जो भी सफ़र कर रहे हैं इंडियन रेल से, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रेन को कहीं हानि ना पहुँचाएं, कहीं उसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। आप अपनी ट्रेन, आप मतलब जब जाते हैं तो आप हर जगह सफाई बनाए के रखिए ना, ठीक है। और ये था वॉशरूम रिव्यू, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना गंदा है ये। सो पीपल आउट देयर, नाउ आई एम ऑन माय बर्थ, and yeah, so far so good. Now I'll direct meet you at Howrah station. Bye. सो गाइज, फाइनली आई हैव रीच द प्लेस वेयर आई हैव टू स्टे, एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं आपको हावड़ा स्टेशन दिखा नहीं पाया, बिकॉज वहाँ बहुत क्राउड था। और जो रिव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेन के बारे में, बहुत ही ख़राब हालत है, बहुत ही ख़राब हालत है। वहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसका MRP था 10 रुपये और वो 15 में बेचा था। जब मैंने उससे MRP के बारे में बात की और उससे लड़ाई किया, तब वो बोलने लगा कि बर्फ़ डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है, इंडियन रेल यू हैव टू सी ओवर देयर इन दैट पार्ट ऑल्सो। और या एक्सपीरियंस उतना ख़ास नहीं था, सीट और वो जिस पे हम लोग सोए थे वो बहुत छोटी थी, और बहुत बदबू आ रही थी बीच बीच में। तो या उतना ख़ास नहीं था मेरा इंडियन रेल में सफ़र, ठीक है। और बाकी वीडियोस देखते रहिएगा, धीरे धीरे आते रहेगी, उसमें मैं कैलकटा और एक्सप्लोर करूँगा। तब तक के लिए, यल्ला यल्लो।